फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा था। हो सकता है फ्रेंड्स पिछले दो वीडियो लेक्चर में वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, बट इस वीडियो लेक्चर में मैंने पूरी कोशिश की है एक क्लियर वॉइस रिकॉर्ड करने की। सो फ्रेंड्स, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे की वीडियोज़ और अच्छे से बना पाऊँ। और धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ वीडियो क्वालिटी में एंड वॉइस रिकॉर्डिंग में। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और जो भी कमी है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली मुझे बताइए। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज का देखा था पहले प्रोग्राम का। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस चीज़ का क्या मीनिंग होता है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो की जो लेंथ रखूँगा वो ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, तो मैं हो सकता है इसको दो से तीन वीडियो लेक्चर में कवर करूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं। जनरली हम इसको हैश बोलते हैं, ठीक है, या फिर हैश के अलावा हम इसको पाउंड भी बोलते हैं। जैसे किसी प्रोग्रामिंग C++ में या जनरली इसको पाउंड भी कहा जाता है, ठीक है, या तो हैश बोलेंगे या पाउंड बोलेंगे, ठीक है। अब हैश के आगे हमने लिखा है इंक्लूड। अब ये हैश के बाद इंक्लूड लिखने का क्या मतलब है। हमने लिखा हैश इंक्लूड, आप आगे जाके देखोगे हम हैश डिफाइन को भी देखेंगे और हम हैश अनडिफाइन को भी डिस्कस करेंगे, हम हैश इफ डिफाइन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसे काफ़ी सारे हैश के आगे स्टेटमेंट आप देखोगे, ये सारे क्या हैं, पहले से बने हुए हमें मिलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अब सबका अलग अलग मीनिंग होता है, सबका अलग अलग यूज़ होता है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूड को, ठीक है। बट ये सारे जो हैश के आगे मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश के बाद जो भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और भी रहेंगे, इनको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। और इनको जो रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो होता है प्री प्रोसेसर। हमारे ये जो हैश वाले स्टेटमेंट होते हैं, इनको रीड करता है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है प्री प्रोसेसर, और हमारे प्रोग्राम के इस वाले पार्ट को रीड करता है कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको किसी भी सी के सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। आप सी का कोई भी आईडी यूज़ करो, आप कोड ब्लॉक यूज़ करो, या फिर टर्बो सी यूज़ करो, या टर्बो C++ यूज़ करो, या फिर आप देव C++ यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी हम आईडी यूज़ करेंगे उसके अंदर हमें ये सॉफ्टवेयर्स पहले से मिलेंगे। तो हैश के साथ जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करने का काम है प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का, और मेन स्टार्ट से मेन एंड तक के पार्ट को रीड करने का काम है कंपाइलर नाम के सॉफ्टवेयर का। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इंक्लूड का वर्क क्या होता है। इंक्लूड को हम बोलते हैं फाइल इंक्लूशन डायरेक्टिव। ठीक है, फाइल इंक्लूशन डायरेक्टिव। और ये क्या है, ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसको हम फाइल इंक्लूशन डायरेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको रीड करता है प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जब इसको रीड करता है तो क्या वर्क करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंक्लूड का काम है हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना। इस प्रोग्राम में मैंने दो हेडर फाइल्स यूज़ की हैं, stdio.h, conio.h। ये दोनों फाइल्स जो आप देख रहे हैं, stdio.h, conio.h, तो ये क्या हैं, हेडर फाइल्स। तो जिस भी फाइल में डॉट के बाद h होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। वो फाइल जिसमें डॉट के बाद h एक्सटेंशन दिया हुआ है उसको आप हेडर फाइल बोलते हो। और हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, हेडर फाइल के अंदर पहले से बने हुए फंक्शन होते हैं, जैसे CLR, SCR, printf, getch, ये सब क्या हैं, पहले से बने हुए फंक्शंस हैं। और अगर ये पहले से बने हुए फंक्शंस आपको यूज़ करने हैं तो आपको ये हेडर फाइल्स यूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे CLR, SCR का डिक्लेरेशन होता है conio.h के अंदर, getch का डिक्लेरेशन होता है conio.h के अंदर, printf का डिक्लेरेशन होता है stdio.h के अंदर। तो हेडर फाइल्स को हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो हेडर फाइल के अंदर फंक्शंस भी होते हैं और
इसके अलावा फंक्शंस के अलावा इसमें ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, बट वो तो C++ में रहेंगे। तो हम अभी मान के चलते हैं कि हेड फाइल्स के अंदर क्या रहेगा, प्री डिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन रहेगा। जो भी पहले से बने हुए फंक्शन है, जैसे CLRSCR का जो वर्क है वो पहले से डिफाइन किया हुआ है और वो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और इनका जो डिक्लेरेशन होता है वो हेड फाइल्स के अंदर होता है, और ये हेड फाइल्स वही कंपनी बनाती है जो कंपनी C++ के सॉफ्टवेयर्स को बनाती है। सो फ्रेंड्स, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।